यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। यूपी के सहारनपुर जिले से विधवा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल अपने गांव से देवबंद नगर में काम कर वापस लौट रही विधवा महिला के पड़ोस के गांव के ही तीन लोगों ने गैंगरेप किया और लिफ्ट देने के बहाने महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर वीडियो भी बनाया। बदमाशों ने वो वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी थी। पीड़ित महिला का यह कहना है कि मेडिकल के अस्पताल पहुंचने पर जो है महिला डॉक्टर ने उसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई ना करने की सलाह भी दी। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। सर जी मैं यहाँ से जा रही थी, मैं 6:30 बजे देवबंद सर लाइस वाड़ों में से निकल कर फिर मैं फाटक पर चली गई। वहाँ सवारी के इंतजार में यहाँ मिली नहीं, फिर मैं आगे चली गई। आगे जाकर सवारी के इंतजार कर रही थी, इतनी देर में वो आ गया लड़का, कहने लगा चाची यहाँ बैठ जाओ, मैं गांव में छोड़ दूँगा तुझे। मैं फिर चली गई उनकी वाइफ को बैठ गई, फिर दूसरा लड़का आ गए, उसने फिर क्या कह दे वो भी बैठ गया, फिर मैं पिछली तरफ में बैठ गई। वो जो तीसरा लड़का था उसका मालूम नहीं मुझे कहाँ से था कहाँ से नहीं, फिर वो बाद में वो भी आ गया, मुझे ले जा कर नहर के पुल पे मैंने बहुत रुक के दिए। मैं मुझे थार तो कूदने के लिए तैयारी हो गई, मैं फिर मैं कूदी नहीं, जब रेसी में कर दिया उसने, फिर मैं आगे मुझे ले कर चले गए वहाँ जा कर खेत में, पॉपुलर का खेत था वहाँ जा कर मेरे बोलो कार करा उन्होंने, तीनों ने करा जी, उन्होंने एक ने वीडियो बनाया, दो एक मेरे ऊपर रहा एक ने वीडियो बनाया। बेटा एक महिला द्वारा बताए गए तीनों द्वारा उसके साथ दुराचार किए थे ना, वीडियो क्लिपिंग बनाई गई है इस संबंध में। दुराचार किए थे ना वीडियो क्लिपिंग बनाई गई है इस संबंध में।